ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल 8वें दिन भी मांगे पूरी न होने के चलते जारी रही। वहीं ग्रामीण डाक सेवकों का आक्रोश अब इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने संचार मंत्री की शव यात्रा तक निकाल डाली। ग्रामीण डाक सेवकों ने सबसे पहले मुख्य डाकघर बिलासपुर में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संचार मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा इसके बाद उन्होंने संचार मंत्री की अर्थी तैयार कर उसकी शव यात्रा को मुख्य डाकघर से शुरू करते हुए गुरुद्वारा मार्केट से चंपा होकर शहीद स्मारक के समीप संचार मंत्री के पुतले का दहन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और संचार मंत्री के मुर्दाबाद के नारे तक लगाकर अपना विरोध जताया। हैरानी की बात यह है कि बिलासपुर मुख्यालय के समीप केंद्रीय संचार मंत्री का पुतले को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के नाम पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था तथा पुलिस कर्मी जब मौके पर पहुंचे तब तक ग्रामीण डाक सेवक पुतला दहन कर चुके थे। गौरतलब है कि ग्रामीण डाक सेवक 22 मई को कमलेश चंद्र की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर मुख्य डाकघर के प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि मांगों को दिल्ली में यूनियन के उच्च अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला, जिसके चलते उन्होंने विरोध स्वरूप संचार मंत्री का पुतला दहन किया। आज जो हमने अपना विरोध जलाकर हमारे जो हड़ताल है वो स्वतंत्र में प्रवेश कर चुकी है। स्वतंत्र में हड़ताल प्रवेश करने के उपरांत भी सरकार की के कारण पर कोई जू नहीं रहेंगी है, इसलिए हमने भारत के संचार मंत्री का पुतला जलाकर ये अपना विरोध जताया है। सरकार को संदेश दिया है कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करके हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के साथ न्याय करें। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो इस आंदोलन को और उग्र रूप धारण करके हम अपना न्याय लेंगे। न्याय के लिए हम आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार का स्वतंत्र में प्रवेश करने के बाद भी इस हड़ताल में कोई सरकार रुचि नहीं ले रही है। अगर यही हाल रहा तो हम हमारे इस देश से 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पे रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती।